स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSE इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी टेक्स्ट में हम लोग हाइपरलिंक कैसे लगाएं। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है? जो ऐसा टेक्स्ट जो अपने अंदर कुछ टेक्स्ट को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो चलिए HTML में हाइपरलिंक लगाने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं ए टैग, जिसको एंकर के नाम से जानते हैं। इसके नाम से एंकर टैग के नाम से। तो ये हमारा आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है सबलाइम टेक्स्ट का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है, HTML 5.0 का ये डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ हमारा HTML टैग हेड के अंदर ये बहुत सारा ये जो अपना एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट, ये देता है आपको फैसिलिटी मेटा कैरसेट UTF 8 व्यूपोर्ट टाइटल। और टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया हाइपरलिंक टेक्स्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है पढ़ने के लिए थर्ड सेमेस्टर वेब टेक्नोलॉजी में। तो अब देखिए यहाँ हेड मेरा क्लोज हो चुका है, टाइटल में मैंने लिख दिया हाइपरलिंक। अब मेन हम लोगों को कैसे किसी भी टेक्स्ट में हाइपरलिंक हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल पूरा दिखाएंगे हम आप लोगों को। उससे पहले आप लोग देख लीजिए ये टैग। तो चलिए क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ये एंगल ब्रैकेट के अंदर ए, और ए तो हो गया एंकर के लिए। तो किसी भी लिंक को हाइपरलिंक, इसके अंदर लिंक होगा तो हम लोग यूज करते हैं HREF रेफरेंस लेने के लिए। इक्वल टू HREF क्या है, किसी भी लिंक का रेफरेंस हम लोग यहाँ रखेंगे, यानी URL, कोई भी लिंक जो होता है उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, यहाँ अभी हम लोग डबल कोटेड के अंदर उसको डालेंगे, और अभी हम लिंक नहीं डाल रहे हैं, ये इतना हुआ। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखता हूं मैं वर्ल्ड टेक्निक सहरसा। ठीक है, और इस टैग को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे ए को। ए टैग हमारा क्लोज हो चुका है। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर URL देना। जैसा कि हम लोग ये टेक्स्ट दिए हैं, इस पे लिंक आएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा में, तो चलिए इसी का वेबसाइट को हम लोग देख करके इसका URL यहाँ पर देंगे। तो चलिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं न्यूज शेयर करके। ये है आपका सहरसा का वेबसाइट https://www.gpshc.ac.in। तो इसका लिंक को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। ठीक है, अब हम लोगों को चले जाना है अपने कोड में, और ये URL डबल कोटेड के अंदर लिख Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट कर देना। तो ये आ गया https://www.gpshc.ac.in। ठीक है, अब इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे। ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप पे इसको रखा है, तो चलिए मैं डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ आपको ये फाइल। ये देखिए hyperlink.html से हम लोगों ने सेव किया था। तो ये hyperlink यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रोम का आइकन लेकर के, माइक्रोसॉफ्ट एज का, आपका जो ब्राउजर होगा उसका आइकन ले लेगा। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये कोड रन होगा। ये कोड रन हो चुका है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। अभी माउस का कर्सर देखिए एरो वाला क्या है, एरो वाला है, और हमने जो वहां पर हाइपरलिंक के अंदर टेक्स्ट डाला था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा, तो जैसे ही उस पर हम ये एरो ले जा रहे हैं, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, मैं हिला के दिखा रहा हूँ, जैसे ही उस पर ले जाएंगे तो ये हैंड का सिंबल बन जाता है, यानी ये इसके अंदर कुछ लिंक है, कुछ इसका अंदर जुड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट जो है अपने अंदर कुछ कंटेन करके रखा। तो देखिए नीचे ले गया, कर्सर बदल गया, ऊपर ले गया, हैंड का सिंबल आ गया। अब जैसे इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम लोग कहाँ पर, सहरसा के वेबसाइट पे। तो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आपको इसका वेबसाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये सहरसा खुल गया।
अब यहां से देख लीजिए आप कोड जो है हमारा। अब जैसे ही बैक जाएंगे फिर से आया, फिर से मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर से वो साइट खुल गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में हाइपरलिंक लगा सकते हैं, किसी भी इमेज में हाइपरलिंक लगा सकते हैं, किसी भी बटन में, यानी जो भी आपका है ऑडियो वीडियो सारा चीज में हाइपरलिंक लगा। जैसे आप लोग डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड के अंदर भी क्या होता है, लिंक होता, तभी आपका डाउनलोड होता। तो यही है बेसिकली हाइपरलिंक, इसका प्रैक्टिकल आप लोगों ने देख लिया, ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।